आइए तुम्हारी आइए चलो भैया हो गया ऐसा है कि उमर अंसारी का 3 मामला था, वो 2022 का 3 मामला था। एक दक्षिण टोला थाने मऊ का है, दो कोतवाली थाना मऊ का है, जो कि हेड स्पीच का मामला था और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था। चुनाव के दौरान ये मुकदमा दर्ज किया गया था 171 जी, और जो 188 का मुकदमा जो है ये तीनों दर्ज किया गया था। ये सब अवेलेबल ऑफेंस है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था जमानत देने के लिए, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जो है माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा जो है तीनों मुकदमे में जमानत स्वीकार कर ली गई है और जमानत पर उमर अंसारी को आज रिहा किया गया। तो ये जो जितने मुकदमे थे इसमें सारे हाई कोर्ट ऊपरी अदालत से उठे के कुछ यहाँ भी हुए हैं? नहीं, ये तीनों में हाई कोर्ट का डायरेक्शन था। क्या डायरेक्शन था? डायरेक्शन ये था, दो मुकदमे में ये डायरेक्शन था कि इनको जो है एंटीसिपेटरी बेल का आर्डर था। एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी थी वहाँ से? हाँ, तो यहाँ आज उसी को दाखिल किया गया है। और एक में पहले से जमानत पर थे, NBW था, उसमें भी हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर लिया है। थैंक यू। न्यायपालिका पर विश्वास है, न्यायपालिका हमेशा इंसाफ करती आई है, करती रहे कि नहीं? और हमें लगातार अंसारी परिवार को परेशान कर रही है। सुबह कितने बजे आ गए? हम सुबह 11 बजे आए। आप इतने दिनों से फरार चल रहे थे, पूरा परिवार फरार चल रहा था। हम लीगल रेमेडी में थे और माननीय उच्चतम न्यायालय फिर माननीय उच्च न्यायालय दोनों ने हमें बेल ग्रांट किया है, एंटीसिपेटरी बेल, जिसके बाद एक शेष मुकदमा बचा हुआ था बेलबल धारा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मैटर में, जिसमें आज पेश होकर उसमें भी माननीय न्यायालय ने मुझे बेल दे दी है और मैं अब धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।